ओ हो, दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? चलो दिखा देता हूँ। और अभी जो तीन तीन हार्ड डिस्क आपको दिख रही है, ये वाली और ये वाली, इसमें सबसे पुरानी हार्ड डिस्क है ये। उसके बाद ये मैंने ली थी 2010 में ली थी, 10 साल हो गया ऑलमोस्ट यार, मतलब ऑलमोस्ट 9.5 ईयर्स हो गया। और ये मैंने 2019 में ली थी जब मैं बाहर गया था। अभी जितना भी मेरा 2 साल में मैंने शूट किया है वो है, तो इसको तो पता नहीं बाजू में रखते, लेकिन ये जो है ये मैं ज्यादा कभी भी मैंने किसी के सामने खोली नहीं है। इसके अंदर मेरा पूरा पुराना डेटा है। तो आज अपन इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट अपन तीनों को करेंगे, और कुछ कुछ ऐसा खास फोटोस को मैं रिएक्ट करूंगा आप लोगों के सामने और बताऊंगा कि उस फोटो की स्टोरी क्या थी। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और ये दिखने में सेम है लेकिन ये 5 TB है एंड दिस इज जस्ट 1 TB। कि उस टाइम फोटोज और वीडियोज के साइज छोटे होते थे, तो इसको भरते भरते ही मुझे पूरा कतरे में उसका करियर निकल गया और आधा भी नहीं भरा था। और ये ऑलरेडी फुल है। जितना आसान सोचा था उतना आसान होने वाला है नहीं, बिकॉज खजाना बहुत बड़ा है, बहुत सारी वीडियोस और फोटोज है। इसमें से क्या सेलेक्ट करूँ, क्या दिखाऊँ आपको, किसके बारे में कमेंट्री दूँ, शुरू से शुरू करते हैं। जो पहली फोटो है ये फर्स्ट टाइम जब मैं दोहा कतर में क्लब गया था, मुझे इसका क्लब का नाम याद नहीं है। तो एज यू कैन सी इसमें है रिजवान लेफ्ट में, बीच में मैं हूँ, ब्लर्ड है, और राइट में संदीप है। फुल ऑन देसी म्यूजिक पे अपन गाना बजा रहे थे। देखता हूँ कोई वीडियो है क्या जिसमें वो म्यूजिक प्ले हो। हाँ ये है, लेकिन थोड़ा फ्लाइंग शुरू हो गई थी, जिंदगी मस्त हो गई थी, क्लब ज्यादा करके चले गए। माइंड यू हम लोग 6 किलोमीटर वॉक करके गए थे पार्टी की, और 6 किलोमीटर वॉक करके आए। और जिनको नहीं मालूम, कतर एयरवेज क्रू का कर्फ्यू टाइम होता है 3:30, मतलब आपको रात को 3:30 के पहले घर पे आना है। जब मैं ज्वाइन किया था तब कोई कर्फ्यू टाइम नहीं था, तो हम लोग सुबह कुछ 7-8 बजे घर पे पहुंचे थे। ये जो फोटो है, हम लोग ने क्लब रेगुलरली जाना शुरू कर दिया था एवरी फ्राइडे सैटरडे, जब भी हमको ऑफ मिलता था मैं और रिजवान जाते थे। और जो दो लड़कियां हैं इनका नाम मुझे याद नहीं, दोनों ईरानियन हैं, और हमारे ग्रुप में से ये दो लड़कियां थी। एंड वी यूज टू लाइक क्लब व्हेनेवर हम लोग को ऑफ मिलता था। मेरी शक्ल देखो ना, एकदम एकदम पोकर फेस बना के खड़ा हूँ मैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रिजवान के नए फ़ोन, मतलब उस टाइम N95 नोकिया N95 से निकाली गई थी। और बंदा इसलिए खुश है बिकॉज ओ माई गॉड आई एम लुकिंग लाइक अ किड। ये मेरा फर्स्ट मंथ का फ्लाइंग है, फर्स्ट या सेकेंड मंथ का, आई डोंट रिमेंबर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं नैरोबी जा रहा था, इतना भी मुझे याद है। और ये तब मैंने फोटो निकाली थी, और आई थिंक इसके बाद और एक फोटो है। हाँ ये फोटो, तो बेसिकली जो मैंने बैकपैक पहना है, चाइल्ड किट होता था जब हम सब क्रू देते हैं बच्चे लोगों को, उसके अंदर सब वो जो प्लेन से मैं खेल रहा हूँ, और मुझको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं लेके मैं ही खेल रहा था सब क्रू लोग के साथ, बैक पैक छोटा बच्चा बन गया था। जब भी हार्ड डिस्क खोलता हूँ ऐसा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है कि पूछूं मत, ऐसा लगता है टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। ये मनीला का फोल्डर खोलते हैं, और ये जो बेसिकली फोटो है, ये मैं मनीला गया था और मैं फर्स्ट टाइम मॉल गया था वहाँ के, तो मुझे एक सुवेनियर के लिए फोटो निकालनी थी मेरी, सुवेनियर के लिए फोटो भी निकालते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके साथ फोटो निकाल रहा था, और ये बाजू में जो लड़की खड़ी है जापनीज है, इसका नाम क्या था, इसका नाम आई रिमेंबर कि मैं वो आइसक्रीम खा रहा था, मैंने कुछ तो ट्रैक पैंट लिया था, एज यू कैन सी स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज मनीला फर्स्ट टाइम आया था मैं। एंड एज यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑन माई फेस, आई वॉज लाइक ये मैं आगे सिक्योरिटी गार्ड के साथ फोटो निकाल रहा हूँ लाइक अ किड अगेन। ये कोलगेट स्माइल वाली फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। यो स्माइल देखो कितना खुश, फॉर सम वियर्ड रीजन हम सबके दांत जो है येलो येलो आ रहे हैं बिकॉज थोड़ी वार्म फोटो है ये। बट ये फोटो पे मत जाना, तभी मैं ज़्यादा बदमाश था, अभी मैं बहुत ज़्यादा सुधर गया हूँ। तो ये हार्ड डिस्क खोलना मेरे लिए कभी ईजी नहीं रहता। बस अगली फोटो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो फोटो है ये ब्लर्ड फोटो है, बेसिकली मलेशिया में था ये मैं, और वो ट्विन टावर के अंदर कुछ तो शो देखने गया था, 3D शो था, एंड दैट इज रीजन वी वेयरिंग द 3D ग्लासेस। इसका अनब्लर्ड वर्जन भी है, लेकिन ये जो लड़की है ये अभी वहाँ पर एक सुपरवाइजर है, तो मुझे नहीं चाहिए इसका अनब्लर्ड वर्जन आए। अगर अभी आपको एक स्मार्टफोन चाहिए तो आपको 2-3 हज़ार का भी स्मार्टफोन मिल जाता है टिल 1 लाख रुपीज़, लेकिन 10 साल पहले स्मार्टफोन इतना इजीली अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ एक आईफोन ही था, वो भी इतना स्मार्ट नहीं था, तो हम लोग को लैपटॉप्स लेने पड़ते थे। एंड इट वॉज अ बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस टू बाय आर सेल्फ अ लैपटॉप। सबसे पहले मैंने लिया था, एंड बारी बारी करके बाद में सबने लैपटॉप ले लिया था। ये जो फोटो आपको दिख रही है
ये जो पहला लैपटॉप है रिजॉन का लैपटॉप है, दूसरा जो मैकबुक है वाइट वाला वो मेरा है, तीसरा जो लैपटॉप है एसर वो भी मेरा है, मेरा पहला लैपटॉप था लेकिन मैंने शॉन को दे दिया था, और जो चौथा लैपटॉप है वो संकेत का लैपटॉप है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिस तरह अगर आप अभी आईफोन या कोई भी आपका ड्रीम फोन ले लो, कैसा फोटो फोन दिखा के फोटो लेते हो उस तरह एकदम, यू नो वी आर द बॉस, हमारे पास लैपटॉप है, वैसा फोटो लिया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा खुश थे। जो कि सी ब्रांड हटाने के लिए हमने पानी की बॉटल से वो प्लास्टिक भी निकाल लिए, क्योंकि मुझे पता था 10 साल बाद मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा और मैं चार्ज करूंगा पानी की बॉटल दिखाने के लिए। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ। अगली फोटो के बारे में बात करने के पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने वन शॉट में कितने समय तक आप जागे रहे हो? सोचो, जवाब दो पॉज करने के बाद एंड देन कंटिन्यू करो। 8.5 घंटे की फ्लाइट की, सिंगापुर पहुंचे, होटल में गए, फ्रेश अप हुए, बाहर आया, शॉपिंग की, मसाज किया, पार्टी की, एंड देन वी केम बैक टू द होटल। आई वाज अवे फॉर मोर देन आई थिंक 35-40 आवर्स, एंड बाद में ये जो फोटो है ये सिंगापुर के कोई तो होटल था, आई थिंक हिल्टन होटल था, उसके लिफ्ट में जो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट होती है ना, वो सब क्यूबिकल, वो लिफ्ट में ही फोटो निकाली गई थी। और जिस व्यक्ति ने ये फोटो निकाली वो ये है, ये ट्यूनिशियन लड़की है, और ऑब्वियसली आई थिंक शी इज फ्लाइंग, तो मैं इसका फोटो जो है वो ब्लर कर दूंगा, मुझे कोई भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए बेचारी के लिए। आई वॉज फिनिश्ड इन दिस फोटो, इसके लिए हम लोग लिफ्ट में बैठ गए बिकॉज ताकत ही नहीं थी खड़े रहने की, दंग वंग नहीं था मैं, एग्जॉस्टेड था मैं। आपको यूनिफॉर्म में फोटो दिखाता हूँ, ये वाली, हाँ यूनिफॉर्म में फोटो हमेशा अच्छी आती है। हम लोग ने त्रिवेंद्र, हम लोग फुल स्विमिंग वुमिंग कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, फोटो भी है, ये देखो ये पूल में था मैं, और इतना गंदा टैन हो गया था जब नेक्स्ट डे वैन, ये देखो मेरी हालत देखो क्या हो गई थी, पूरा फेस जो है लिटरली सनबर्न है, हाथ जले हुए थे, मेरी जो बैंड बजी थी ना बॉस, थैंक गॉड मेरा 3 डेज ऑफ था तो मैं घर में पड़ा था, बाद में मैं रिकवर हो गया था। लेकिन आपको अभी हुआ है तो आपको पता रहेगा सनबर्न दिमाग खराब कर देता है, कभी सनबर्न मत होना, मेक श्योर करना कि आप वो क्रीम लगा के जाओ। एज अ क्रू जो हमको सैलरी मिलती है वो 3 चीज में डिवाइड करती है, पहली हमारी बेसिक सैलरी होती है कि इतना तो मिलेगी ही मिलेगी, दूसरा हमारे फ्लाइंग आज हम कितना लंबा कितने घंटे फ्लाई कर रहे हैं, और तीसरा हमारा जो लेवर पे जाते हैं उस कंट्री का अलाउंस का है खाने का। इसके लिए ज्यादा करके मैं लंबी फ्लाइट मारता था, और मुझे चाइना जाने का बड़ा शौक था बिकॉज मैं वहाँ जाता भी था और शॉपिंग भी करता था। एज यू कैन सी ये जो फोटो आपको दिख रही है ऐसा लगता है बहुत सनी है, लेकिन उस दिन -5 -6 था, मेरी हालत खराब हो गई थी, और ये जो लेडी चिपक के खड़ी है ये ऐसे रैंडम कोई लेडी थी, उसको लगा मैं कोई बॉलीवुड का एक्टर हूँ, तो जब मैं फोटो निकाल रहा था तो ये आ गई से पकड़ के खड़ी हो गई, उसने अपने कैमरे से भी लिया, मैंने अपने कैमरे से भी लिया। कतर के करियर में एक दौर आया था जिसमें बहुत सारे क्रू अपसेट थे और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, एक रीज़न की वजह से, मैं रीज़न नहीं बोल सकता, आई एम रियली सॉरी, फिर वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, मुझे प्रॉब्लम में डाल देगा, जिसकी वजह से हमारे जो सीईओ थे अभी भी वही है मिस्टर अकबर अल बगैर, उन्होंने एक क्रू मीटिंग पार्टी थ्रो की थी, तो जितने लोग फ्लाई नहीं करते थे तो दिन के 500-600 क्रू उस होटल में जा रहे थे, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, एंड हमारे सीईओ ने हमको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर किया। वो पार्टी की स्पेशल बात ये थी कि अनलिमिटेड फूड एंड अनलिमिटेड ड्रिंक्स, और सब लोग बहुत खुश थे उस दिन। तो ये फोटो निकाली थी, मैं हूँ, बाजू में प्रतीक है, रिजवान है, और ये कोई तो खुरेशी है, कौन सा खुरेशी मुझे याद नहीं है, बट इट वॉज अ वंडरफुल, लाइक वी हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम। एनीवेज, अगली जो फोटो है बेसिकली कतर में हम लोग ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, व्हेन यू फ्लाई यू हैव टू मेंटेन अ ग्रूमिंग स्टैंडर्ड की इस तरह के बाल होने चाहिए, एकदम छोटे बाल होने चाहिए, ये बाल और टच नहीं होने चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो मेरे बाल जो होते थे हमेशा बड़े रहते थे और मैं एकदम चिपका के आता था, और जैसे ही हम लोग कैबिन में आते थे मैं थोड़ा ऐसे करके बाल थोड़ा एकदम स्टाइलिश बना देता था। तो मैंने एक बार एक गैली में फोटो खींची थी, तो ये जो फोटो आपको दिख रही है, मैं कतर एयरवेज के करियर में मेरे सबसे लंबे जो बाल हुए थे वो इतने थे। आई नो अभी के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, लेकिन वो टाइम दिस वाज द लॉन्गेस्ट हेयर मेरे यहाँ तक आते थे, और अगर मैं ये बालों के साथ पकड़ा जाता, वैसे तो कोई पकड़ा नहीं गया, तो मुझे ग्राउंड कर देते थे। जिस तरह अभी कोरोना वायरस छाया हुआ है, 2020 विल बी रिमेम्बर्ड एज कोरोना वायरस ईयर, उसी तरह 2009 में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू छाया हुआ था, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम कैबिन क्रू ने मास्क पहना था। एज यू कैन सी मेरी फोटो नहीं है, ये मैंने निकाली थी, मेरे कलीग की फोटो। तो एज यू कैन सी जो दो फोटो है ये मैंने खींची थी, एंड वी वर लाइक सो हैप्पी बिकॉज हम बहुत डरे हुए थे कि हमको ना हो जाए, ये मेरी फोटो किसी ने निकाली नहीं, या फिर होगी मुझे मिल नहीं रही है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था बहुत बड़ा शैतान था, बाल बढ़ रहे थे, तो ये जो फोटो है ये काम खत्म हो गया था, नाइफ डाल के मैं एकदम वुल्वरीन बन के सबको ऐसा नाइफ से मार रहा था, तभी फोटो निकाली गई थी। चेहरे से ही लगता है कितना बड़ा कमीना आदमी। मुझे मौका मिलेगा ना यार, मैं 2-3 महीना फ्लाई करना चाहूँगा, ऑल्दो मुझे कतर वेज लेगा नहीं, बट आई वुड लव टू फ्लाई फॉर एटलीस्ट 6 मंथ यार। अच्छा कंटेंट भी बनेगा और फिर से दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। कैबिन क्रू बनने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है डिचिंग ड्रिल। बेसिकली हमको ये सिखाते हैं कि कभी अगर प्लेन जो है पानी में लैंड किया तो हम दरवाज़ा खोल के वो स्लाइड इन्फ्लेट होगा, वो किस तरह हम लोग जाएंगे और लोगों को बचाएंगे और खुद को भी बचाएंगे। तो ज्वाइन करते टाइम होती है, और फिर एवरी 3 ईयर्स हमारी इसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग या रिकरेंट ट्रेनिंग कुछ तो बोलते हैं वो होती है। तो वो टाइम ये वाली फोटो ली गई थी। कैन यू स्पॉट मी, वेयर एम आई?
ध्यान से देखो, वो रहा जो अपना लाइफ जैकेट में फुगा रहा हूँ, बिकॉज अभी 30 फीट स्विमिंग पूल में कूदना है, और ये दुबई में हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, एमरेट्स कोई तो अकेडमी था वहाँ पे हो रही थी, और उसके तुरंत बाद जब हम लोग वापस दोहा आए थे, इतनी मस्ती करके आए थे, लड़ाई झगड़ा करके आ रहे थे ना, मस्ती मजाक में रेसलिंग कर करके आ रहे थे ना, ये हालत हो गई थी। ओ हो, ये दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? चलो दिखा देता हूँ। तो ये जो फोटो है, ये उस टाइम की मेरी थोड़ी ठीक ठाक बॉडी बनी थी, और ये जो जीन्स मैंने पहनी है अभी भी मेरे पास है, कहीं तो पड़ी। फ्लाइट में जाने के पहले मैं चेक करता था मेरे बाल कितने बड़े हैं, आज बचूंगा नहीं बचूंगा। अरे दिस इज़ अ लवली फोटो। तो ये फोटो में पहले संकेत है, फिर शॉन है, रिजवान, मैं और प्रतीक, हम जो ये पांच दोस्त थे, हम ऐसा सब बोला करते थे कि तुम पांच लोग काफ़ी हो, पूरा दोहा पूरा कतर इसको, मुझको रिजवान को छोड़ के तीनों वहीं पर है, और तीनों बहुत अच्छे पोस्ट में मिल गए। ये फोटो मैं कब से ढूंढ रहा था, तो बेसिकली मुझको एक स्टाई हो गया था, ये जो फोटो में अगर देखोगे तो हल्का सा एक ऐसा पिंपल टाइप हुआ है, बेसिकली मुझे दर्द नहीं होता था, ये ड्राई था, स्टाई बोलते हैं, ये अलाउड नहीं था ऐसा फ्लाई करना, फिर भी मैं 3 महीना फ्लाई किया, लेकिन एक फ्लाइट में मेरी सुपरवाइजर ने मुझे पकड़ लिया, बोला कि यू कैनॉट फ्लाई लाइक दिस, अगर तू पकड़ा गया ना तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, उसने मतलब रिपोर्ट करते हैं, फिर मैं हॉस्पिटल में गया, एंड देन दे डिसाइडेड टू डू द सर्जरी। मैंने बोला मैं कते ही दोहा में सर्जरी नहीं कराऊंगा, बिकॉज वहाँ अच्छी सर्जरी नहीं होती थी, और मुझे बोला कि एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन मारेंगे, कटिंग कुटिंग करेंगे, मतलब मुझे नहीं करना है। मैं 3 दिन ऑफ लेके मुंबई आया, यही पीछे गली में गया, कुछ ने एनेस्थेशिया दिया, एक हल्का सा स्लिट मारा, पूरा निकाला, और आधे घंटे में मैं घर पे भी आ गया। तो मैं दारू सिगरेट कोई नशा नहीं करता था, लाइफ में फर्स्ट टाइम एनेस्थेशिया लिया था। तो जैसी सर्जरी हुई मैं बाहर आया, मैं फेंट होकर गिर गया, बिकॉज यहाँ पर बिकॉज ब्रेन के काफ़ी नज़दीक मुझे एनेस्थेशिया दिया गया था ना, एंड ये आफ्टरमाथ है, मैं एकदम खुश हूँ, पट्टी वट्टी लगा के, ये देखो हालत देखो एकदम बंदर। कैबिन क्रू का जॉब सबको बहुत ज़्यादा फैंसी लगता है, इतना होता नहीं है, फिर भी जो दुनिया ऐसा लगता है ना घूम रहा है, लेकिन इतना आसानी से नहीं घूम पाते, बिकॉज हमको सिर्फ 24 घंटे का लेवर मिलता है, तो 24 घंटे में आदमी कितना घूमेगा। फिर भी कुछ लेवर हमको मिलते थे, 2 डेज ऑफ 3 डेज ऑफ, उसमें से ये एक हम जगह गए थे इटली में, आई डोंट रिमेंबर किधर, क्योंकि फोल्डर नहीं बनाया मैंने इसका, और हम लोग ये पांच लोग थे, गाड़ी रेंट करके हम लोग बहुत जगह घूम के आए थे, पूरा 2 दिन गाड़ी में घूम रहे थे, और तुम्हारा भाई गाड़ी चला रहा था, उसमें बस कतरे लाइसेंस था, कतरे लाइसेंस में घूम सकते थे। दिस वॉज द गैंग। बस मैं और नहीं देख पाऊंगा, मैं 2-3 महीने में हार्ड डिस्क खोलता हूँ, एंड आई रिलीव माई मोमेंट। आज डिसाइड किया कि चलो आप लोगों के साथ ही खोल के देखते हैं, और जितना हो सका उतना मैंने दिखा दिया, मुझे 2-3 घंटे का वीडियो नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मैं और फोटोज या और वीडियोज़ को खोल के आपके सामने उसका स्टोरी बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर 3-4 दिनों में वो करने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, जरा लाइक करो, मुझे दिखना चाहिए कि आपको पसंद आता है कि मैं वीडियो बनाऊं भी। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, शुक्रान अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड्स। अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सब चीज़ शेयर करके, मैं एकदम खुश ही गया वो चीज़ में यार। अगर मैं मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है मैं आपको बता सकता ना, तो वैसे तो जो वीडियो बन रहा है, जो फोटोज है, उसके पीछे की स्टोरी के बारे में, लेकिन फिर भी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली मेरा रिजवान और शॉन का एक झगड़ा हो रहा था, मस्ती मजाक वाला झगड़ा हो रहा था, तो बाद में मैंने और रिजवान और शॉन ने थोड़ा उसको शांत किया, भाई छोड़ना छोड़ना छोड़ना, और फिर मैं चुपचाप वीडियो निकाल रहा था, वो वीडियो देखो।